कैसे हैं सब। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष है क्योंकि काफी सारे प्रश्न लोनलीनेस को लेकर मेरे से पूछे जाते हैं। मेरे ही स्टूडेंट्स कई बारी विचार करते हैं कि वो अकेले हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में किसी का साथ होना चाहिए, और कई लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक जीवन में हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अकेले होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े ही सरल शब्दों में तुम्हें अपनी बात रख सकूं और समझा सकूं कि ये ऐसा मानसिक द्वंद है जिसके अंदर चाहे तुम अकेले हो चाहे तुम दुकेले हो, तुम खुश तब तक नहीं हो जब तक तुम इंटरनली खुश नहीं। दो प्रकार की खुशियों की अवस्था होती है, प्रसन्नता की अवस्था होती है, फिर वही बात आ जाती है फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। एक भौतिक सुख होगी, घर परिवार गाड़ी अच्छी जॉब अच्छा बैंक बैलेंस, सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी का अनुभव नहीं है, वो बात नहीं है जीवन। इसके विपरीत लिमिटेड संसाधन होने के बावजूद भी इंसान खुश रहता है क्योंकि वो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। जो बैचलर्स होते हैं, अकेले होते हैं या सेपरेटेड होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि किसी का साथ अच्छा, और जो किसी के साथ है जरा उनसे पूछ लो कि क्या वो सुखी है, क्या वो खुश है। मेरा अनुभव लोगों से वार्तालाप के बाद ये कहता है कि नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट। उनमें कुछ ना कुछ द्वंद्व आपस में है, किसी के बच्चों के साथ है, किसी के बीवी के साथ है, किसी के पति के साथ है, किसी के पारिवारिक द्वंद है। तो ये एक मिथ है कि अगर अकेले हैं तो खुश हैं, साथ हैं तो खुश हैं। ये ड्वेलिटी ऑफ माइंड है, मानसिक द्वंद है ये एक। जो एक्चुअल खुशी है वो अकेले रहने में तब है जब तुम नकारात्मक भाव अपने आप से हटा लो। अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम अकेले बहुत खुश हो क्योंकि फिर पूरा आकाश तुम्हारा है, जहां मर्जी लोटपोट हो लो, जहां मर्जी बैठ जाओ, जैसा मर्जी बर्ताव कर लो, सारी टेरिटरी तुम्हारी है। फिर जब मन करे तब ध्यान में बैठ जाओ, जितनी देर मन करे ध्यान में बैठ जाओ। ये मेरा ऐसा मनस है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी इंसान को रियल टाइम में खुश देखना हो तो तुम उसे बाथरूम में देख सकते हो। तुम जब बाथरूम में होते हो तो नहाते वक्त जो तुम्हारे कंठ से स्वर निकलते हैं, जो तुम्हारी एक्टिविटी होती है अपने आप को शीशे में देखते हुए, वो भोलापन, वो बचकानापन, वो तुम बाहर करते हो क्या बाथरूम से? नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अपने आप में जब हो, जब तुम अकेले हो तो तुम एक आनंदमय कोश में हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। मैं दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल कर, एक महानुभव मेरे साथ बैठे हुए, 12 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट थी मेलबर्न की। उन्होंने मुझसे बात करना चाहा लेकिन मैं चुप रहा। उन्होंने 2-4 बारी कोशिश करी मुझसे बात करने की पर मैंने ज्यादा रिस्पॉन्ड किया नहीं, मैं अपने में ही रहा।
मैंने क्या देखा कि थोड़े टाइम बाद कभी वो मैगजीन पढ़ रहे हैं, कभी अखबार पढ़ रहे हैं, कभी अपना ऊपर से कैरी बैग उतार के उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं, फिर वापस ऊपर रख देते हैं, फिर अखबार उठा लेते, फिर कभी क्रू को बुला के कुछ बात कर लेते, फिर कभी कोशिश करते खिड़की, क्योंकि मैं खिड़की वाली तरफ बैठा था, खिड़की से बाहर झांकने की, और उस प्रयत्न में मुझसे हेलो हाय करने की दोबारा कोशिश करते, पर सफल नहीं हुए, मेरे से ज्यादा बात हो नहीं पाई उनसे, और उस बोरडम में बोर होने लग गए क्योंकि वो सफर लंबा था। तो कुछ ना कुछ करतब करते रहे। अखबार कम से कम 4 बारी उन्होंने पढ़ लिया हो, सेम अखबार। तो मेरे से उन्होंने एक बात कही, कहते हैं अच्छा होता अगर आप यहां ना बैठे होते। मुझे समझ में आ गया, ये ज्यादा अकेले रहने वाला आदमी नहीं है, इसे लोग चाहिए हैं पास में बैठे। तो मैंने इन्हें बोला कि अगर आप कहें तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं, ताकि तुम करते रहो अपने कर्तव्य, फिर जो कर रहे हो, जो तमाशा में तुम्हें मन कर रहा है वो करते रहो। तो बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप कुछ बात नहीं कर रहे, सफर बहुत लंबा है। तो मैंने कहा मैं साक्षी हो रहा हूं तुम्हारी कर्तव्य, जो तुम हरकतें कर रहे हो मैं उसे देख के एंजॉय कर रहा हूं। मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने क्रू को बुलाया और अपनी सीट चेंज करवा। जहां उन्होंने सीट चेंज करी मैं वहां गया, उनसे बात करने की कोशिश करी। बोले आप क्यों आए? मैंने कहा आया नहीं, देखने आया हूं कि तुम यहां क्या तमाशा कर रहे हो। मैं ये देखना चाहता था कि वो वहां दूसरी सीट पे जाके क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बात नहीं करते हैं, आप बोलते नहीं हैं, मैं बोर हो रहा था तो मैंने ये सीट चेंज करी। सीट कहां चेंज करी? बिजनेस क्लास से इकोनॉमी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं जीवन में, एक जिन्हें अपने आपे में रहना पसंद है, एक जिन्हें लोगों के साथ रहना पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है, सीटी बजाना पसंद है। अगर अंधेरे में हो तो सीटी बजाना पसंद होगा ताकि अकेलापन ना खाए, अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप से वार्तालाप करेंगे, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए तरह तरह के तमाशे करेंगे, तरह तरह के ड्रामे करेंगे, कभी इधर लौट जाएंगे, कभी उधर लौट जाएंगे। अब मुझे मजा आ रहा था, बिना पैसे दिए सर्कस दिख रहा था। तो मैंने उन्हें कहा आप आ जाइए वहां सीट पर वापस। तो बोलते हैं नहीं, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, मैं वहां नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आनंद ले रहा हूं जो तुम कर रहे हो, मुझे तो मजा आ रहा है तुम्हें देखने में। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, जिससे तुम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सको। शर्त सिर्फ इतनी है कि नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी उस अकेलेपन के साथ नहीं जुड़नी चाहिए। तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी का एहसास होना चाहिए कि तुम्हें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि तुम अकेले हो और परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सको। जो लोग परिवार में हैं और परमात्मा के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ होते हुए भी ना होने वाला एहसास,
और जब चले जाएं एक दूसरे से अलग तो अकेलापन खले। कुछ ऐसा ही जैसे बीवी मायके गई है तो हस्बैंड परेशान हो जाता है कि मायके चली गई है, और जब आ जाए तो और परेशान हो जाता है कि आ गई है। फिर क्या करता है, फिर वही सीटी बजाने वाली बात हो जाती है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, झगड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर झेलते हैं, कभी कभी झेल भी लेते हैं, पर अपने आप को भूल जाते हैं इस पूरी व्यवस्था। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिर बच्चे याद रहते हैं। तो वो जो सेल्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो परमात्मा ने हमें भेजा होता है वो कहीं पीछे रह जाता है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के द्वंद, पहले बीवी के थे अब बच्चों के द्वंद, फिर आदमी क्लब ज्वाइन कर लेता है, फिर वो क्लब में बैठता है, लेट आता है घर क्योंकि पता है घर में सब तैयार होंगे, जाते ही पीछे पड़ जाएंगे। तो अपने आप से कनेक्ट होने के लिए फिर वो क्लब्स में बैठता है, कोई रोटरी क्लब में बैठ जाएगा, कोई लॉयंस क्लब में बैठ जाएगा, सोशलाइज होने की कोशिश करता है। तो ये ऐसा मानसिक द्वंद है कि आप अकेले हो तो मुसीबत और सबके साथ हो तो असहज। अब किया क्या जाए इस सिचुएशन में, अगर अकेले हो तो उसको पॉजिटिव लो। सिचुएशंस लाइफ में उनके भी आती हैं जो परिवार के साथ हैं, सिचुएशंस लाइफ में उनके भी आती हैं जो अकेले हैं। सिचुएशंस तो लाइफ का एक शाश्वत सत्य है, ये होना ही होना है, सिचुएशंस आनी ही आनी है, लेकिन तुम कितनी पॉजिटिविटी के साथ इस सिचुएशन को फेस करते हो ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि तुम परिवार के साथ हो या अकेले हो, परिवार के साथ रहते हुए भी सिचुएशन आती है, और मेरा तो मानना है कि तब ज्यादा आती है क्योंकि तब तुम अकेले नहीं हो, तब तुमने जो धारण किया है, जो तुम्हारा धर्म है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपने साथ साथ अपने परिवार की भी है। तो अपनी तो सिचुएशन है ही है, साथ में पारिवारिक सिचुएशन भी हैंडल करनी है, पर बी पॉजिटिव इन लाइफ। अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम दोनों ही सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। फिर तुम्हें ये अकेलापन खलेगा नहीं, और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने आप से बात करो, साइलेंट रहो, अपने आप को मॉनिटर करो। अकेले हो तो अपने शरीर की मूवमेंट्स को एनालाइज करो, देखो कि कैसे तुम्हारा शरीर, तुम्हारे अंदर की जो जीवात्मा है वो तुमसे धीरे धीरे बात करते आएगी। परिवार में हो तो अपने घर परिवार वालों से विनती करो कि मुझे एक घंटे का ध्यान में बैठने का समय दो ताकि मैं अपने आप से कनेक्ट रह सकूं। क्योंकि अगर तुम अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, अपने स्वभाव में नहीं हो और खुश नहीं हो अपने स्वभाव में रहते हो, तो तुम दुनिया को कैसे खुश रखो, अपने आसपास के ऑरा को कैसे पॉजिटिव करो। तो बी पॉजिटिव इन लाइफ, खुश रहो, और ये अपने माइंड से निकाल दो इस द्वंद को कि मैं अकेले अच्छा या दुकेले अच्छा। तुम जिस सिचुएशन में हो, जैसे में हो, उसमें खुश रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा आज दुखी है तो उस दुखी मन से, उस दुखी आज से तुम अपने भविष्य के सुख की कल्पना नहीं कर सकते हो, तुम अपना भविष्य सुखी नहीं बना सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम आज सुखी रहो, तुम आज खुश रहो। फिर मैं बहुत जल्दी तुम्हें देविक और असुरी संपदा के बारे में बताऊंगा, एनालाइज कर लेना, फिर प्रैक्टिस करना कि अपने में रीन स्टेट हो जाओ, बट खुश रहो। कोई अपने मनस में द्वंद मत लेके आओ कि किस सिचुएशन में मैं ज्यादा बेटर हूं। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, तुम अगर अलोन हो, जैसे ही तुम अकेले से दुकेले हुए, तुम्हें वो जो अकेलापन है वो बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले थे तो बहुत अच्छे, लेकिन फिर जैसे ही तुम अकेलेपन में जाओगे, तुम्हें जिसका साथ छूट गया है वो पसंद ना आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ था या मेरे साथ थी, या मैं अकेली थी या मैं अकेला था, तो एटलीस्ट सिचुएशंस मिल बांट के हो जाती थी। पर वो मिल बांट की सिचुएशंस में अकेले की सिचुएशंस नहीं होती, वो दोनों की ही सिचुएशंस होती थी। फिर सिचुएशंस का बर्डन भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा था। इसलिए बैलेंस बना के रखो अपनी लाइफ में, दोनों ही सिचुएशंस अपनी जगह पर हैं, दोनों की अपनी रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इंटेंशंस हैं, अपनी धारणाएं हैं। उन धारणाओं के मूल पर उनके अर्थ निकालो, और अर्थ निकालने के बाद अपने डिजायर्स को पूरा करो और मोक्ष की तरफ प्रस्थान करो, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ दोज डिजायर्स। पढ़ाया ना कल मैंने तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना वीडियो? जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो देख ली। और बी हैप्पी इन लाइफ, खुश रहो, तोता राम मत बनो, मैं दुखी हूं, मैं अकेला हूं, मैं परिवार के बोझ के नीचे हूं, परिवार का बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, बहुत स्ट्रेस है। कोई स्ट्रेस वेस नहीं, तुमने ले रखा है इसलिए है। लाइफ सरल है, इसे जटिल मत करो, सरलता के साथ जियो और खुश रहो लाइफ। बी पॉजिटिव, अगर तुम्हारा आज पॉजिटिव है, तुम्हारा प्रेजेंट पॉजिटिव है, तो तुम्हारा फ्यूचर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर तुमने अपने अवचेतन मन को आज ही कमांड दे दी कि मैं दुखी हूं और मुझे फ्यूचर के लिए काम करना है, तो वो फ्यूचर कभी नहीं आएगा। तुम सारी जिंदगी काम ही करते रह जाओगे, क्योंकि जो आज है तुम्हारा, जिसके लिए तुम आज सोच रहे हो कि आज के दुख झेल लेते हैं कल के लिए, तो जो आज है वो पहले कल था, और उससे पहले का जो कल था उसमें तुम सोच रहे थे कि जो आज है उसको सुखद बनाओगे, लेकिन बना नहीं, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन में एक ही कमांड प्रोसेस हो चुकी है कि आज दुख है कल सुख है, और वो कल नहीं आने वाला। इसीलिए अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, और आज से, अभी से ही जिस सिचुएशन में हो उसमें खुश रहो, हैप्पी रहो। जाते जाते एक स्टोरी और सुना दो। एक हस्बैंड मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, कहता है मेरी वाइफ सारा दिन बाथरूम में बैठी हुई बतखों के साथ खेलती है पानी भर के टब। तो मनोवैज्ञानिक कहता है इसके अंदर मनोविज्ञान क्या करे, इसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता जो अनयूजुअल हो। तो वह मनोवैज्ञानिक ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ चीजें उठा उठा के तो नहीं मारती, ये अग्रेसिव तो नहीं होती? उसने कहा नहीं, बाकी सब ठीक है, बस बाथरूम में जो है बैठ के टब में पानी भर के प्लास्टिक की बतके उसमें कराती। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये तो कुछ बुरा नहीं है, ऐसा तो ओके है अगर वो कर रही है। तो उसने बोला ओके तो है, उस लेडी के हस्बैंड ने बोला ओके तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बारी नहीं मिलती है वो करने। तो हर कोई अपने बचपने में जाना चाहता है, तुम सब में एक बचपना है, और उस बचपने की एनालिसिस होती है बाथरूम के अंदर। तुम कितने साल के हो वो मायने नहीं रखता, तुम्हारे अंदर का बचपना जो है उसे जीते आना चाहिए, उसे जरूर जियो। और एक बात का ध्यान रखना कि बच्चा जो होता है वो अकेलेपन से डरता है, इसीलिए उसको या तो परिवार का साथ चाहिए, या अगर वो अकेला है तो उसे अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके परमात्मा का साथ चाहिए, पर साथ तो चाहिए। ठीक है, मेरी बात को गौर करना, मिलता हूं फिर तुमसे बहुत जल्दी।